नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल के आ रही है वेदर डिपार्टमेंट की ओर से, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, बारिश, बाढ़ और खतरनाक बारिश को लेकर बड़ी चेतावनी निकल कर आई है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुंबई, बिहार, राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, गुजरात में बिगड़े हालात। जी हाँ दोस्तों, मौसम का हाल बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को मुंबई और राजस्थान में भारी से ज्यादा भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश को लेकर शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर पूरे एक हफ्ते तक बने रहने के आसार हैं। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बने होने के कारण मुंबई में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर कला, मुरैना, राजगढ़, छतरपुर, टिक्कमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा में भी अच्छी बारिश होने की संभावना बताई गई है। यही नहीं दोस्तों, राज्य में 4 अगस्त के बाद से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं दोस्तों, स्काईमेट के मुताबिक झारखंड और बिहार के कई इलाकों में शनिवार को एक बार फिर भारी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुगढ़ जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके चलते मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं दोस्तों, गुजरात की बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात के कई शहरों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। दोस्तों, विभाग ने बताया कि वडोदरा भारी बारिश ने बीते 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतरना पड़ा। वहीं दोस्तों, वडोदरा में क्रिकेटर इरफान पठान ने एक वीडियो वायरल किया है, सोशल मीडिया पर डाला है, जिसके अंदर की एक मगरमच्छ सड़कों पर आ गया है और उसने एक कुत्ते पर हमला भी किया। वहीं दोस्तों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। संभा एवं जम्मू में बस्तर, निक्की, तनवी व चिनाब दरिया के सटे इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की करीब 18 चौकियों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में भी बाढ़ के हालात खराब है। रेलवे स्टेशन, सरकारी स्कूल और अस्पताल सहित कई इमारतों में पानी भर गया। पुष्कर में तेज बारिश से जनजीवन पटरी से उतर गया। अजमेर की प्रसिद्ध आनासागर झील से पानी बाहर निकलने लगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी भारी बारिश देखने को मिली, इससे स्मार्ट सिटी की सारी पोल खुल गई। तो दोस्तों, यह थे अभी तक के मौसम समाचार। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।